With this kind of a crowd and this kind of a heat. Yes, the money was paid to the Honorable P. V. Narsimhar Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam. But if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P. V. Narsimhar Rao scam. With this kind of a crowd and this kind of a heat. फ्रेंड्स हर्षद मेहता ने 16 जून 1993 को मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया था कि उसने पीवी नरसिंह राव को एक करोड़ रुपए से भरा एक सूटकेस उनके घर पर दिया हर्षद मेहता ने कहा था कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस लेकर गया था उसमें सड़सठ लाख रुपए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस पी के पर्सनल सेक्रेटरी राम खंडेरकर को दिया ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया एक करोड़ देने की बात थी पर उस दिन वह सुबह तक सड़सठ लाख रुपए का ही इंतज़ाम कर सका था दूसरे दिन बाकी की रकम प्रधानमंत्री आवास पहुंचा दी थी हर्षद मेहता के वकील जेठ मिलानी से जब प्रेस ने पूछा कि क्या हर्षद मेहता प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा है इस सवाल पर मिलानी ने कहा कि सवाल यह है कि वह ऐसा भला क्यों करेगा वह 111 दिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए ब्लैकमेल कर सकता था लेकिन तब उसने ऐसा नहीं किया जेठ मलानी से जब पूछा गया कि क्या वह हर्षद मेहता की कही बात को साबित कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि उनके पास इतने सबूत हैं कि वह अग्नि परीक्षा से भी बखूबी गुजर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वह प्रमाणों को पेश कर देंगे बहरहाल पर पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका लेकिन ना तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और ना ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव पर यह आरोप साबित हुआ कि आंध्र के नांदियाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे दरअसल 1991 में जब नरसिंह राव पीएम बने थे तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे बाद में वे नांदियाल से जीतकर आए तब लोकसभा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देकर नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाई थी रिश्वत लेकर वोट देने का आरोप बाद में साबित भी हो गया और उसको लेकर किसी को सजा नहीं हो सकी क्योंकि अदालत में तब इसका कोई अधिकार नहीं था